हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर। और मैं हूँ नीमा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सा मेकअप लुक, जिसमें आई मेकअप को मैंने थोड़ा सा बोल्ड रखा है। पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएगा। अभी अभी मैं नहाकर निकली हूँ। सबसे पहले मैं टोनर का यूज़ कर रही हूँ, गुड वाइब्स का विच हेजल टोनर। कोई भी टोनर लगाओ, कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, अच्छे से उसे वार्म अप ज़रूर कर लो। छिड़क लिया है मैंने अपने फेस पर, स्प्रे कर लिया है और अच्छे से अपने हाथों से ना प्रेस कर लूँगी इसको। पर्पल पे चल रहा है धमाकेदार समर सेल, तो प्रोडक्ट्स पे आपको बहुत बढ़िया वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। जो भी प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी, इसके अलावा कई ब्रांड्स पे आपको ऑफर्स मिल जाएंगे, तो चेकआउट कीजिएगा। फेस क्रीम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की रेसबेरी एंड पेपरमिंट फेस क्रीम। बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल वाली फीलिंग आती है इसे। और हाथों के लिए ये आजकल मेरा फेवरेट हो रहा है, ये है एल्फ्स गुडनेस का। जेल फॉर्म में है ये बॉडी लोशन, ये आप देखो, ज़रा सा मैंने लिया और बिल्कुल ही वाटरी कंसिस्टेंसी का है। बिल्कुल भी आपको ना स्टिकी स्टिकी फीलिंग नहीं आएगी, चिप चिप वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो अगर गर्मी में आपको बहुत स्वेटिंग होती है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया था स्टे कुर्की का प्राइमर ऑयल। वो ऑयल फॉर्म में होता तो आपको मेरा फेस थोड़ा सा स्टिकी लग रहा होगा। आज मैं एक वायरल प्रोडक्ट को टेस्ट करने वाली हूँ, ये सुनीसा सीसी क्रीम। इसको तो आपने बहुत देखा होगा, चाहे रील्स की बात करूँ चाहे टिकटॉक की बात करूँ, सब जगह बड़ा फेमस था ये। और इसका इंडिविजुअल रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसका लिंक और बाकी प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप इसे पुश करते हो ना, प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। और मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा भगवान जी को भी पहले याद कर लिया था कि भगवान ख़राब नहीं कर दे ये मेरी स्किन को। बट सीरियसली इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया मुझे। बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर है इसका, आप देखोगे ना बहुत ही हल्का है ये। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में फुल कवरेज मिल जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि पेंट कर दिया मुंह पर, नहीं। मैंने इसे दो बार ही अप्लाई किया था और इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी थी। इसके साथ आपको एक स्पॉन्ज मिलता है, इसे बोलते हैं मशरूम स्पॉन्ज, ये इसी नाम से फेमस है बेसिकली। ये आप देखोगे कवरेज, मैं आपको इसकी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बीच बीच में। आप देखोगे काफ़ी अच्छी कवरेज ये दे रहा है, बहुत बढ़िया वाली कवरेज है। और क्योंकि मैंने प्राइमर ऑयल का आज यूज़ किया था तो मेरी स्किन आपको थोड़ी थोड़ी सी स्टिकी भी लग रही होगी, जब मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने इसे टेस्ट करने के लिए इसकी दो लेयर लगाई हैं कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं लगता कि पेंट कर दिया मुंह पे। बट दो लेयर लगाने के बाद भी ये प्रोडक्ट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो। और इसके साथ आपको मिरर भी मिलता है, इसकी जो कैप है ना उसमें मिरर लगा हुआ मिलता है, तो आप ईजिली उसमें देख कर इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो आपको बिल्कुल थम्स अप दूंगी, इसने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया इसने, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई हूँ, तो कॉम्पैक ऐसा चाहिए मुझे जो है SPF 50 के साथ। यह है पर्पल का कॉम्पैक। अगर आप भी मेरी तरह भुलक्कड़ हो, सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हो बाद बाद में, तो आप ऐसे कॉम्पैक को यूज़ कर सकते हो जो है SPF 50 के साथ। जी हाँ, ऐसे कॉम्पैक बहुत कम है जो SPF 50 के साथ होता है, उनमें से पर्पल मेरा फेवरेट है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास डार्क शेड का कॉम्पैक आ गया है तो उसे फेंकिएगा मत। आप उसे कैसे ट्राई कर सकते हो मैं बता रही हूँ आज। जैसे मेरे पास ये स्टे कुर्की का कॉम्पैक है, इसका शेड थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन से, तो मैं इसे एज अ कॉन्टोरिंग पाउडर के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप भी अपने किसी भी प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, फेंकेगा मत। गलत शेड आ जाता है तो उसे बिल्कुल, यूज़ करने के ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो मेरी वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। देखा, प्रमोशन भी हो गया साथ के साथ। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की, स्विस ब्यूटी की है ये, स्टे कुर्की की नहीं है, ये है स्विस ब्यूटी की पैलेट, विंकी आई शेडो पैलेट है ये। और बहुत ही प्यारे शेड्स है इसमें और गज़ब वाली पैलेट है। इसमें से मैंने थोड़ा सा ना डार्क ग्रे शेड लिया हुआ है, अपनी पूरी आईलिड पे लगा लूँगी मैं आज थोड़ा सा ग्लिटर आई मेकअप करने की सोच रही हूँ, तो मुझे सिर्फ बेस के लिए चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मैंने आई मेकअप करते वक्त नहीं रखी है। सिंपल सा मैं पूरी आईलिड पे लगा लूँगी इसको और ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको ब्रश से ब्लेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे मुझे भी कई बार जल्दी होती है, तो मैं ब्रश की जगह फिंगर से लगा लेती हूँ और फिर ग्लिटर लगा लेती हूँ। बहुत ईजिली ग्लिटर आई मेकअप हो जाता है। ये आप देखोगे जैसे मैं ब्रश से लगा रही हूँ बट थोड़ी सी पिगमेंटेशन कम लग रही है, तो आप मेरी तरह फिंगर की मदद से भी इसे लगा सकते हो। देखो, अब मैं फिंगर की मदद से आपको लगाऊंगी, इंस्टेंटली पिगमेंटेशन मिल जाती है इससे। तो अगर आप भी मेरी तरह थोड़े से कामचोर टाइप के हो ना, तो आप फिंगर की मदद से आई शेडो लगा सकते हो बहुत ईजिली। अब मैं यूज़ करूँगी ग्लिटर, बट पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने ब्लैक शेड को पहले इसीलिए लगाया, क्योंकि कई बार क्या होता है पांडा आईज़ बन जाती हैं हमारी ब्लैक आई शेडो यूज़ करने के चक्कर में, या स्मोकी आई करने के चक्कर में। तो आप मेरी तरह कर सकते हो, लास्ट स्टेप से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने पहले ब्लैक शेड लगा लिया, अब मैं अपनी क्रीज लाइन पे
स्किन कलर का या लाइट कलर का शेड लगा लूँगी, उससे क्या होगा ये जो ब्लैक शेड लगाया ना ये थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, पहले पूरी आईलिड पे मेकअप करने से अच्छा है पहले आप सिर्फ क्रीज पे अपना ब्लैक शेड लगा लो और फिर ऊपर मेकअप करो, ताकि वो जो ब्लैक आई शेडो बाहर भी लग गया ना वो भी थोड़ा सा कवर अप हो जाए। तो बस सिंपल सा तरीका है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। अब बारी आती है ग्लिटर्स की। तो ग्लिटर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, पिगमेंटेड ग्लिटर्स हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरे को रिसीव हुआ था ग्लिटरी वर्ड इंस्टाग्राम स्टोर से, तो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे आजकल बहुत सारे आपको ग्लिटर्स मिल जाएंगे आराम से। लिप बाम मैं लगा लूँगी। लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा अपने लिप्स को ना अच्छे से नरिश कर लीजिए, वरना क्या होगा ना लिपस्टिक हम लोग लगाएंगे और सारे होंठ कटे फटे से दिखेंगे, जो कि बहुत बेकार लगते हैं। ये है वेनिला फ्लेवर की, जो कि मेरे बेटे की सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का लाइनर और पर्पल का वाइट काजल। वाइट काजल मैं जब भी लगाती हूँ मुझे लगता है मैं भूत लग रही हूँ तो इसलिए मैं इसको लगा तो लेती हूँ, बट मुझे बाद में कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं अपने आई मेकअप में। जैसे मैंने पहले वाइट काजल लगा लिया, फिर मैं अब वही ब्लैक शेड जो मैंने ऊपर की तरफ अपनी आई मेकअप में किया है ना उसे ही नीचे से थोड़ा सा लाइन अप कर दूँगी, ताकि ये आई मेकअप थोड़ा सा ना सही दिखे। बट एंड तक जाते जाते ये वाइट काजल मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देता है, तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा ना ब्लैक से साइड से कवर कर दूँगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वाइट काजल मेरे फेस पर अच्छा नहीं लगता। कई लड़कियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बट मेरे फेस पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मस्कारा लगाते वक्त मुझे हमेशा थोड़ी सी टेंशन रहती है। मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर तो कभी भी मस्कारा नहीं लगाती हूँ, वरना मेरी आँख में घुस ही जाता है। और जब मेरी आँख में ये लगता है ना, दो दो तीन तीन दिन तक मेरी आँखें लाल हो जाती हैं। और ऐसा सिर्फ इस मस्कारे के साथ नहीं, ये हर मस्कारे के साथ होता है। तो इसलिए मैं मस्कारा लगाते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखती हूँ, मतलब इतना टाइम मुझे आई मेकअप में नहीं लगता जितना मुझे मस्कारा लगाने लगता है। नीचे की तरफ लगाते में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। वाइट लाइनर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये काजल, तो मैं थोड़ा सा इसे ना ब्लैक कलर के आई शेडो से कवर अप कर लूँगी बाद में। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का सिंदूर, ये वन ऑफ माई फेवरेट सिंदूर है। बहुत ही प्यारा हॉट रेड कलर का सिंदूर है ये। मेकअप फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे, और पंखा मैंने चला रखा है ताकि मेरे बाल भी सूख जाएँ थोड़े से। अब मैंने लिपस्टिक लगाई है NYB की, ये है बॉल चेंज 14 आई थिंक इसका शेड है, और ये बहुत ही प्यारा शेड है, थोड़ा सा ना ऑरेंज रस्ट कलर का है। तो ये है मेरा मेकअप लुक, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।